नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। धर्मनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में अफगानिस्तान के काबुल नदी से आए जल को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जल को विधि पूर्वक पूजन अर्चन के बीच गर्भगृह स्थल पर समर्पित किया। आपको बता दें कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव की तैयारी का जायजा लेने आज अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचे, जहां श्री रामलला का दर्शन पूजन किया तो वहीं मंदिर निर्माण की भी जानकारी ली। इस दौरान मंच पर अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के काबुल शहर की एक लड़की ने भगवान राम को अर्पित करने के लिए काबुल नदी का जल भेजा था। उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी उसको रामलला के जन्म स्थान गर्भगृह में अर्पित करें। उसी को मैं भगवान रामलला का दर्शन करने के बाद गर्भगृह स्थान में अर्पित किया। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पास इस अपील के साथ इस जल को भेजा था। मुझे आज इसी कारण यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं काबुल की उस बालिका के साथ साथ अफगानिस्तान की उन तमाम बालिकाओं, बेटियों और बहनों के कुछ दर्द के साथ अपने आप को और अपनी संवेदना को अपने देशवासियों के संवेदना को जोड़ते हुए इस पवित्र जल को श्री राम जन्मभूमि में समर्पित कर सकूँ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ राम कथा पार्क पहुंचे, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच का स्वागत किया गया। दौरान राम कथा पार्क स्थल पर रामायण कॉन्क्लेव प्रदर्शनी का अवलोकन किया तो वहीं समापन करते हुए अयोध्या के संतों से आशीर्वाद लिया। अयोध्या संवाददाता बिस्मिल्ला खान की रिपोर्ट। आज मेरा स्वागत है कि दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बहाने मुझे आनंद था, जिसके दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में ओए भाई साहब एक बालिका कैमरा मारे तालिबान के आतंक के साये में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी, यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा और आज उसी जल को यहाँ पर आया था। तो मुझे एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर लूँ, पूज्य संतों का भी दर्शन कर लूँ और उस बालिका और अफगानिस्तान की उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साए में रह रही हैं उन सब की ओर से भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। तो रामायण कॉन्क्लेव का इससे हम सब की आस्था के प्रतीक है और हम सब ये भी जानते हैं कि माता की गई तो उसी देश से थी अफगानिस्तान से। हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों को कोई नकार नहीं सकता। तो यह एक ऐसा